हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ। इससे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल के 3 पार्ट अपलोड किए हैं और ये मेरा चौथा पार्ट है। और बिल्डिंग मटेरियल में ये मेरा जो ब्रिक चैप्टर है वो चल रहा है। इसके पहले मैंने बिल्डिंग स्टोन, लाइम, सीमेंट इसके भी वीडियो अपलोड किए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी वीडियो अपलोड किए हैं, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के भी हैं और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के भी हैं। अभी सॉइल के, सर्वे के, आरसीसी के, सोम के, हाइड्रोलिक्स के मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं चैप्टर टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करके, एक एक क्वेश्चन के बारे में कितने क्वेश्चन उससे बन सकते हैं तो सबको मैं बताता चल रहा हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक जो मेरे 3 पार्ट में 52 क्वेश्चन मैंने किए थे, जो ये 53 क्वेश्चन है इसको मैंने कमेंट में आपसे पूछा था। तो जो डच वो बॉन्ड होती है उसका ये किसका मॉडिफिकेशन है, यानी इसका किसका संशोधन है, ये इंग्लिश बॉन्ड का है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द 90 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर साइड ऑफ ए ब्रिक इज सीन इन द वॉल फेस इज जनरली नो एज। तो आप अगर कोई दीवार देखेंगे तो पहले ब्रिक में आपको ये जानना है कि कौन सी ब्रिक में कौन सा शेप जो है उसका, कौन सा भाग स्ट्रेचर है, कौन सा हेडर है। जब इसको आप जान जाएंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना से पूछ रहा है कि एक ईंट की फलक में जो उसकी साइड दिखाई दे रही है, तो ईंट मान लीजिए आपकी ये ईंट है, तो जो ये लंबा वाला भाग है ये एरिया, ये आपका स्ट्रेचर है। और जो ये सामने वाला पार्ट होता है ये आपका होता है हेडर। तो अब ये सबसे लंबा वाला यानी 19 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और ये जो इसकी गहराई हो गई ये चीज़, ये हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो अब ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो क्वेश्चन पूछा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम स्ट्रेचर कहेंगे। अगर 9 × 9 होता तो हम उसको क्या कहते, हेडर कहते। चलिए अगला देखते हैं। इन क्ले सॉइल, चिकनी मृदा में क्या होगा, वो अधिक स्वेलिंग करेगी और उसमें श्रिंकेज अधिक होगा, मतलब उसका करेक्टर होगा ये, और कंसोलिडेशन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा और डिफरेंट सेटलमेंट होगा इज जनरली प्रिवेंट। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ब्रिक मशीनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाई लेइंग अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स इज नो एज। तो जो हम लोग ईंट की चिनाई करते हैं उसमें एक विधि है इंग्लिश बॉन्ड और एक है आपकी फ्लेमिंग बॉन्ड। तो फ्लेमिंग बॉन्ड में क्या होता है, जो प्रत्येक रद्दा होता है उसमें पहले आपका हेडर के रूप में रखा जाएगा, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईट चिनाई में प्रत्येक रद्दे में, यानी रद्दा एक ही है और हेडर और स्ट्रेचर को बारी बारी से यूज करना है, एकांतर एक छोड़कर, उसको हम लोग फ्लेमिंग बॉन्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगर एक रद्दे में हेडर चलेगा, जो अगला रद्दा आएगा उसमें स्ट्रेचर चलेगा, तो उसको हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही में कह रहा है, एक ही रद्दे में दोनों आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या होगा, फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मशीनरी कैन बी यूज ओनली वेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। ईट चिनाई में स्ट्रेचर बॉन्ड दीवार की कितनी मोटाई में प्रयोग किया जाता है, तो कितनी मोटाई में प्रयोग किया जाता है, 90 mm में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड हर्टिंग ऑफ द थिकर वॉल्स। तो जो दो वॉल है उसके बीच में जो भराव होता है मोटी दीवारों में, ये किसका किया जाता है, हेडर का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, इसीलिए हम लोग उसकी हर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वीन क्लोजर क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रिक, यानी वो अपनी चौड़ाई की क्या होती है, आधी होती है। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट है, इसे मादा ढेली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द
मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज्ड। तो जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है उसको, जो उसमें ईंट की मोटाई होती है वाली दीवार, उसकी कितना लेते हैं हम लोग, 1.5 ब्रिक थिक, यानी आपकी उसमें 1.5 ईंट की दीवार को यहाँ पर अपनाया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोर्टार एंड फॉर्मिंग ज्वाइंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन में जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो उसमें एक उपकरण होता है जिसे हम लोग ट्रोवल बोलते हैं, कन्नी होता है। इसमें गारा को उठाने के लिए, ज्वाइंट्स में भरने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका अपरेटस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका यूज ज्यादा होता है, राजमिस्त्री इसका करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सपेंशन ज्वाइंट मैसनरी वॉल आर प्रोवाइडेड इन वॉल लेंथ जन ग्रेटर देन। कितनी एक्सपेंशन ज्वाइंट रखा जाता है, कितने से अधिक पे प्रसार जोड़ दिया जाता है, 40 मीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइड इन ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। तो हैवी लोड के लिए हमेशा हम लोग कौन सी बॉन्ड यूज करते हैं, वो हम करते हैं इंग्लिश बॉन्ड, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए मोर्टार ज्वाइंट इन मैसनरी विच नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल इज नो एज। चिनाई में प्रयोग किया गया हुआ मिला हुआ जोड़ जो मुख्यतः दीवार की फलक के लंबवत होता है, उसे हम क्रॉस ज्वाइंट कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन। तो वैसे तो जो चिनाई की दीवार के लिए तन्यता अनुपात होता है वो 27 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ ऑप्शन में 20 दिया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा 27, तो हम 30 ले लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ वर्टिकल ज्वाइंट्स इन ए स्ट्रेचर कोर्स इज एक्स टाइम्स द नंबर ऑफ ज्वाइंट इन द हेडर कोर्स वेयर एक्स इक्वल टू 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ ज्वाइंट इन हेडर कोर्स शुड बी। हेडर की मोटाई स्ट्रेचर रद्दा से तुलना में क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग एंड इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग इन ईच कोर्स, प्रत्येक रद्दे में। ये आपका क्या होता है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ ए बॉन्ड इन ए ब्रिक मैसनरी कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक रद्दे में, यानी एक रद्दे में आपका हेडर चलेगा, दूसरे रद्दे में आपका स्ट्रेचर चलेगा, फिर हेडर एक रद्दे में चलेगा, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर प्लास्टरिंग द एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल, यानी जो हम लोग ईंट की चिनाई करते हैं तो जो उसमें जो वातावरण में जो हिस्सा खुला रहता है बाहर की तरफ, उसमें जो हम लोग सीमेंट और सैंड मोर्टार लेते हैं वो कितना लेते हैं, 1:2 लेते हैं कि रेशियो 1:2 होता है, 1:1 होता है, 1:4 होता है, 1:6 होता है, तो वो आपका जो है 1:4 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ऑपरेशन ऑफ रेकिंग आउट ऑफ मैसनरी ज्वाइंट्स अबाउट 13 mm डेप्थ एंड देन फिलिंग देम अप विथ रिच सीमेंट सैंड मोर्टार रेशियो 1:2 इज नो है। ईंट की चिनाई में ईंटों के जोड़ के स्थान को लगभग 13 mm गहराई तक खोद कर पुनः उसे 1:3 मिलावे वाले सीमेंट बालू मिलावे से भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित क्या कहलाती है, इसे हम लोग पॉइंटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज, ये कॉस्टली पड़ती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विथ प्रपोज, खोखली ईंट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, यानी हीट को उसको कम करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेम्परेचर को ये मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन ऑन ए हॉट ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। ईंट का आकार गर्म ईंट पर बारिश के पानी के कारण विकृत हो जाता है या विकृत कहलाती है।
जब हम लोग ईट, गरम ईट होती है उसको बाहर निकालते हैं भट्टे से, और उस समय उस ईट पे बारिश हो जाए तो उसमें एक विकृति पाई जाती है जिसे हम चक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये ब्रिक मेसनरी, और जो ईट में सूजन आ जाती है उसे हम ब्लोटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको भी जानते रहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। ए ब्रिक मेसनरी कुड फेल ड्यू टू, एक चिनाई ईट किसके कारण असफल फेल हो सकती है? तो ये सबके कारण हो सकती है। देखिए, रैप्चर अलॉन्ग ए वर्टिकल ज्वाइंट इन प्योरली बॉन्डेड वॉल, बॉन्ड प्योरली होगा, वर्टिकल ज्वाइंट एक सीध में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर शेयरिंग हो जाएगी, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवर क्रशिंग हो जाएगी, तो ये सबके कारण फेल हो सकती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अभी आप देखिए, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ये होता है सिलिका के कारण, सिलिका के एक्सेस कारण, पहला ऑप्शन, तो ये तो गलत हो गया। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग, तो सूखने पे उसमें क्रैक और रैप हो जाता है, ये आप एल्यूमिना के कारण होता है, जब एल्यूमिना की अधिकता हो जाती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन ए ब्रिक कट इन टू टू हैवल्स लॉन्ग एक्चुअली वन पार्ट इज कार्ड, जब एक ईंट को हम लंबवत दो भागों में काट देते हैं तो एक भाग क्या कहलाता है? क्विन क्लोजर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, ये ब्रिक का ये तीसरा और चौथा और आखिरी पार्ट था, और इसके बाद जो मेरा नया चैप्टर आएगा वो टिम्बर का आएगा। तो टिम्बर में, टिम्बर की कौन कौन से टिम्बर हैं जिनका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में, हम लोग यूज करते हैं, और उनकी कितनी स्ट्रेंथ देते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं, सीजनिंग है, कैसे इसको पकाया जाता है, और ईंट को जो हम लोग चिराई करते हैं उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन सी विधि जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, इकोनॉमिकल होती है, तो बहुत से अभी टिम्बर में अच्छे अच्छे कौन से टिम्बर रेलवे में यूज किया जाता है ट्रैक पे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो दो तीन चार क्वेश्चन आते हैं, तो दो तीन पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो सेंट्रल की हो, चाहे स्टेट की हो, यूपी की, अदर स्टेट की, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको, अभी मैंने इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल की एक बुक के क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उसके 7 पार्ट हैं, 8 या 9 पार्ट हैं, तो उसको भी आप देखिएगा। टोटल 50 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं, इसको भी आप देखिए सब वीडियो को, और सब क्वेश्चन में, कई एक क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो उसमें कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और अच्छी तरीके से समझा के मैंने वीडियो को अपलोड किया है। और वीडियो को देखने के बाद हर क्वेश्चन को आप कमेंट किया करिए, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉच।